हल्ला बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 24 घंटे में 2 लाख पार, कैसे रुकेगी ये रफ्तार? जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। देश के कोने कोने से आ रही तस्वीरें, ऑक्सीजन की किल्लत की तस्वीरें, लोगों की जान गंवाने की तस्वीरें, परिवार वालों के रोने की तस्वीरें, अस्पतालों में बेहाल मरीजों की तस्वीरें, टेस्ट कराने के लिए पहुंचने वाली जगह पर संक्रमण का खतरा की तस्वीरें, ये सब पूरे देश को झकझोर रहा है। आज वो वक्त आ गया है जब ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस देश की हेल्थ व्यवस्था ने, पूरे सिस्टम ने इस देश के लोगों को कहीं ना कहीं मायूस किया है कोरोना की इस दूसरी लहर के संकट के बीच में। लगातार दूसरी लहर की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन सरकारों ने क्या जागने में देरी की? सियासत करने में सबसे तेज, लेकिन कदम उठाने में क्या पीछे रह गए? जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र से लेकर तमाम राज्यों की हालात आप देखिए, कैसे मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बस टोपी ट्रांसफर का काम चालू हुआ है। जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ देश के कई अहम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री लाइव जुड़ेंगे। उन सब से पूछेंगे कि आज अगर ये हालात है तो जवाबदेही किसकी, और कल की तैयारी क्या कर रखी है इन सरकारों ने। पहले ये रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव थे, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहां बोले कि यहाँ जगह नहीं है। इंसानों की चीख से कांपते शहर, सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस, शमशान और कब्रिस्तान में शवों का अंबार, कहीं अस्पताल में बेड नहीं, कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर घर, कहीं रिपोर्ट नहीं मिल रही तो कहीं डॉक्टर नहीं। आजाद हिंदुस्तान में ऐसा मंजर शायद ही कभी देखा। कोरोना का ब्रेक फेल है और सिस्टम पूरी तरह से ढेर है। सियासत की खींचतान जारी है, कोई चुनाव में मस्त है, कोई धर्म पर आर पार करने को तैयार है, लेकिन मर रही है तो सिर्फ इंसानियत, बढ़ रही है तो शमशान और कब्रिस्तान में भीड़। आज देश में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं, मौत का आंकड़ा 1000 के पार है। कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा, कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, सबके दावों की पोल खोल कर रख दी है। बस बन रहे तो रिकॉर्ड, रोज नए रिकॉर्ड। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 58,992 केस, यूपी 20,439, दिल्ली में 17,282, बंगाल 5,892 केस। बदहाली का आलम देखिए, नागपुर के जीएमसी हॉस्पिटल में एक बेड पर दो दो मरीजों का इलाज चल रहा है। खौफ की तस्वीर भी देखिए, लखनऊ के बैकुंठ धाम में चिताएं ऐसे जल रही हैं मानो कोई बस्ती पूरी तरह से खामोश हो गई हो। लापरवाही की इंतहा देखिए, महाराजगंज में एक शख्स को पहला टीका कोवैक्सीन का लगाया तो दूसरी डोज कोविशील्ड की लगा दी। राज्य सरकार केंद्र पर सवाल खड़े कर रही है, कोई वैक्सीन खत्म होने की बात कर रहा है तो कोई बेड खत्म होने की बात कर रहा है। लॉकडाउन पर मंथन चल रहा है, हर कोई जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ रहा है। सच्चाई यही है कि आखिर ऐसे हालात आए कैसे? आखिर कोरोना का पहला फेज देखने के बाद भी सरकारें क्यों नहीं जागी? क्यों नहीं अस्पतालों में इंतजाम किए गए? क्यों देश को कोरोना की आग में झोंक दिया गया? अभी तो दूसरी लहर का आगाज हुआ है, आंकड़े बढ़ने शुरू हुए हैं, सिस्टम चरमराना शुरू हुआ है। ये हालात कहां तक जाएंगे इसकी कल्पना करके भी रूह कांप जाती है, क्योंकि यहां सब कुछ भगवान भरोसे है। हेल्थ सिस्टम जैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा। जुबान से दावे कैसे भी किए जा रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि सब कुछ सरेंडर मोड पर है, सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। आज तक देखो, तो हमारे साथ